धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे बोलने का समय दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ हमारे ही देश के कुछ माननीय नेतागण, कुछ सांसद, उनके कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुनाना चाहूँगी इस महंगाई के मुद्दे पे। एक हमारे अभी करंट सांसद हैं, उनका एक ट्वीट है जो कहता है, मैसिव हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। This will put a burden on hundreds of thousands of crores of people of my state. एक और हमारी सांसद हैं, उनका एक ट्वीट है जो कहता है कि yet another hike in petrol prices. The government seems to ignore public outcry over price rise. Arrogance of power, unsympathetic to the needs of the poor. उन्हीं सांसद का एक और ट्वीट, petrol price hiked yet again. ये आम आदमी की सरकार नार वर्क्स ओनली फॉर खास तेल कंपनीज। एक और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जीडीपी फ्यूचर में बढ़ेगा, पर वो जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल। तो ये मैंने आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुनाए अध्यक्ष महोदय। तो शायद जो लोग ये सारे ट्वीट सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि ये जो सारे ट्वीट्स मैं पढ़ के सुना रही हूँ ये विपक्ष के अलग अलग नेताओं के होंगे जो अभी बढ़ती हुई पेट्रोल के दाम, एलपीजी के दाम पे ट्वीट कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सारे ट्वीट्स हैं ये विपक्ष के नेताओं के नहीं हैं, ये सारे ट्वीट्स भाजपा के नेताओं के हैं जो 2011 और 2014 के बीच में भाजपा के अलग अलग नेताओं ने किए। पहला ट्वीट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था जब वो कह रहे थे कि पेट्रोल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है। अगला ट्वीट माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का था जिन्होंने कहा कि ये एरोगेंस ऑफ पावर है जो एक तरह से गरीबों की जो ज़रूरतें हैं उसे हम उपेक्षित कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी थी जिन्होंने कहा कि यह आम आदमी की सरकार अब सिर्फ खास तेल कंपनियों के लिए काम कर रही है जो दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं। संबित पात्रा जी ने कहा कि जीडीपी का मतलब है कि गैस, डीजल और पेट्रोल का दाम ही बढ़ रहा है, कि देश की इकोनॉमी तो बढ़ नहीं रही है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं उन्होंने कुछ साल पहले जनता के सामने ये बात रखी कि अगर बार बार गैस का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा तो आम आदमी कैसे जिएगा। तो आज माननीय विधूड़ी जी ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये ट्वीट्स किए हैं वो तो यहाँ पे सदन में मौजूद नहीं है। तो आज मेरा आपसे ये सवाल है और आपकी पार्टी से ये सवाल है, तो क्या हम इन ट्वीट्स को सच्चाई माने कि अगर तेल का दाम बढ़ रहा है तो खास तेल कंपनियों के लिए बढ़ रहा होगा, कि ये एरोगेंस ऑफ पावर है जिसकी वजह से गरीबों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, कि ये जो जीडीपी की बात होती है उसका मतलब ये है कि गैस, डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा है, क्योंकि ये आपके ही नेता कुछ साल पहले तक जो बढ़ते दाम हैं उनके बारे में बात करते थे। आपने अपने भाषण में अभी ये काफ़ी जो एक फेमस गीत है उसमें कहा कि जी मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। एक्चुअली ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इस बात को थोड़ा सा हमारी अभी की परिस्थिति से कंपेयर करूं तो ये दिखता है कि जब गैस, डीजल, पेट्रोल की हम दाम की बात करते हैं ये दाम पूरी तरह से भारत की सरकार के हाथ में नहीं होता, क्योंकि ये क्रूड प्राइसेस जो देश पर जो इंटरनेशनली चलती हैं या जो एलपीजी प्राइसेस इंटरनेशनली चलती हैं उस पर निर्भर होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो वो मझधार है जो हमारी नैया को डोल रहा है। तो जो हमारे देश की सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की नाव को, देश की इकोनॉमी को, गरीब का जो घर का बजट चल रहा है उसकी नाव को बचाएं। लेकिन अगर हम जो अभी के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और मैं आपको ये आंकड़े भी शेयर कर दूंगी कि जो आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं
वो ऐसे समय पे बढ़ रहे हैं जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं। तो जो आज नैया डुबोई जा रही है वो हमारी माजी द्वारा ही डुबोई जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ही डुबोई जा रही है, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का दुनिया में हो रहा है, पिछले 2 वर्ष से क्रूड ऑयल का दाम दुनिया भर में घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ये सिर्फ भारत देश है जिसके माननीय प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के हैं, जिनके नेतृत्व में इस देश ने जो ऊंचाइयां छुई हैं, जीडीपी नहीं बढ़ा, लेकिन पेट्रोल का दाम भारत के इतिहास में पहली बार 3 डिजिट तक छू गया, ये इतिहास रचा है माननीय प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल माजी ही डुबो रहा है, क्यों? क्योंकि दुनिया भर में तो क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं। जो आप देखिए कि अप्रैल 2003 में 33 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था और भारत ने ये पहली बार रिकॉर्ड टच किया जब 100 रुपए लीटर पेट्रोल का दाम हुआ फरवरी 24 को 2021 में। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये श्रेय तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है। और अगर आप पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखिए, देखिए कोई कह सकता है कि जी पेट्रोल और डीजल कौन इस्तेमाल करता है? अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास गाड़ियां होती हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, SUVs होती हैं, एक आम आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है, उसी से हर कमोडिटी का दाम बढ़ता है, उसी से सब्जी का दाम बढ़ता है, उसी से आलू और प्याज का दाम बढ़ता है, उसी से तेल का, चावल का, आटे का दाम बढ़ता है, क्योंकि उस डीजल से चालित ट्रकों के माध्यम से ही देश भर में जो खाद्यान्न सामग्री है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो जो महिलाएं महीने के शुरू में 1 तारीख में अपना घर का बजट बनाती हैं, आज उनसे उनका घर नहीं चल रहा है। ना सिर्फ डीजल और पेट्रोल के दाम, आप LPG के सिलेंडर के दाम देखिए। LPG के सिलेंडर के दाम 1 मार्च को 25 रुपए बढ़े थे, ये पिछले 3 महीने में 7वीं बार LPG सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 7वीं बार विधुड़ी जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, आपने भी अभी उज्ज्वला योजना का उदाहरण दिया, तो जैसे हमारे कुछ साथियों ने बताया भी कि अगर आप उज्ज्वला योजना के आंकड़े देखने जाएंगे तो जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला के सिलेंडर दिए, आज वो सिलेंडर वापस कर रही हैं क्योंकि वो भरवा नहीं पा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस उज्ज्वला योजना के तहत एक नई ऊंचाई भी छूने वाले हैं। वो नई ऊंचाई ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो, जो गाँव में महिलाएँ रहती हैं वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, वो परेशान होती हैं, उनको हमें क्लीन फ्यूल देना चाहिए, तो हम गांव की महिलाओं को चूल्हे से गैस सिलेंडर की ओर लेके जाने वाले हैं। लेकिन जो नई ऊंचाइयां मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी इस बार छू देंगे कि वो शहरों में रहने वाली महिलाओं को गैस सिलेंडर से वापस चूल्हे पे ले जाएंगे, क्योंकि आज शहरी महिलाएं जो गैस सिलेंडर के दाम हो गए हैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। आपने ये कहा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं जो दाम बढ़ रहे हैं, जो महंगाई हो रही है। मेरा एक सुझाव है आपसे विधुरी जी, आज आप जब घर वापस जाएं तो आप एक बारी भाभी जी से ज़रूर बात करिएगा। आप उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि मोदी जी का सिलेंडर ज़्यादा महंगा है कि केजरीवाल जी की बिजली ज़्यादा महंगी है। आपको अपना जवाब वहीं पर मिल जाएगा कि महंगाई इस देश में कौन लेकर आ रहा है, इस शहर में कौन लेकर आ रहा है। एक्चुअली वो हो सकता है ना विधुड़ी जी को पता ना हो, क्योंकि खर्चा तो घर की महिलाएं चलाती हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें कह दूं कि एक बारी भाभी जी से ज़रूर बात कर लीजिएगा। आप भाभी जी से ये भी बात करेंगी तो वो ये भी बता देंगी कि जब वो मोहल्ला क्लिनिक में जाती हैं तो दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, डॉक्टर पैसे नहीं लेता। अगर वो कभी DTC बस में चली जाएं तो टिकट भी 0 होता है, 1 पैसा बस में भी नहीं देना पड़ता। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं बढ़ रही, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिल रही है, बिजली पानी आज दिल्ली वालों को मुफ्त मिल रहा है। अगर आज इस महंगाई के दौर में
दिल्ली वाला अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की वजह से है, जिन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, महिलाओं के लिए बस राइड जो फ्री की है उसकी वजह से जो एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, सब्जी का, दाल का जो बढ़ता हुआ दाम है, जो लोगों की जेब में इतना बड़ा छेद कर दे रहा था, आज दिल्ली वाला सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की वजह से आज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। विदुरी जी, आपकी पार्टी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा था तो हमारे बहुत से साथियों ने बताया कि उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो जब आप बोल रहे थे तो मैंने सोच रही थी कि शायद वो नारा थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक्चुअली शायद जो नारा आपकी पार्टी देना चाह रही थी वो नारा ये देना चाह रही थी, अब तो थोड़ी सी हुई है महंगाई की मार, भाजपा करेगी सब हदें पार। और यही नारा है जो आपकी पार्टी आज के दिन में ना सिर्फ पूरी दिल्ली में बल्कि पूरी देश में महंगाई की हर हद पार कर रही है। और देखिए, आपकी ही पार्टी की नेता ने कहा था कि अगर हम आम जनता के बारे में, गरीब जनता के बारे में भूल जाएंगे तो ये हमारी एरोगेंस है, क्योंकि यही जनता है जो वोट देकर संसद में भेजती है। और अगर इस तरह की महंगाई होती रही, यही जनता है जो संसद से निकाल कर बाहर फेंक देगी आपकी पार्टी को। यह सच्चाई है आज देश की। विदुरी जी, धन्यवाद अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।